हेलो गाइस, वेलकम टू दिस किल्ला फार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 रुपये वाले कलर्स, यानी टेम्परा कलर्स। इसे हम गुआश कलर्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें पिगमेंट और गम यानी कि ग्लू मिलाते हैं, इसलिए इसे गुआश कलर्स कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, ये आप वाटर कलर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप कौन से स्टाइल पर वर्क करना चाहते हैं। पहले हम इस पोर्ट्रेट को सेंटर पर कंपोज कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक टॉप पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और जॉ लाइन के लिए एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसलिए कि इसके अंदर फेस प्रॉपरली कंपोज हो जाए। इस पेंटिंग के लिए मैं एक रेफरेंस फोटो ले रहा हूँ। ये याद रखना है कि हम फर्स्ट बिग प्रोपोर्शंस को ड्रा करें, जैसे कि फेस आउटर लेयर। इसमें हमको पता चलता है कि प्रॉपर एलिमेंट्स कहाँ कहाँ ड्रा करना है, जैसे कि आईब्रोस, नोज, माउथ और आइज। यहाँ पर मैं हल्की सी शेडिंग करता हूँ, इसलिए कि मुझे लाइट और शेड प्रॉपरली पता चले। शेडिंग के बाद हल्की सी एक स्किन टोन मैं पेंट कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस पे आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि इस कलर पे और ज़्यादा पेंटिंग बनाएं, इसलिए आपके लिए एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ इस पेंट्स पे। आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स पे जैसे कलर्स है, उस कलर्स को हम मैच करेंगे हमारे पेंटिंग पे। आप देख सकते हैं कि मैं लाइट टोन से डार्क जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि हम डार्क पहले ही अप्लाई कर दें तो लाइट कलर उस पर हम कवर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं लाइट से डार्क जा रहा हूं। इस पेंटिंग के लिए मैं दो ही ब्रश यूज कर रहा हूँ, एक 4 नंबर का फ्लैट ब्रश और एक 0 नंबर का पॉइंटेड ब्रश। मैं ज़्यादा ब्रशेस यूज करना पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसको बाद में जाके धोना पड़ता है, इसलिए मैं लिमिटेड ब्रश यूज करना पसंद करता हूँ। रिलैक्स करें और इस प्रोसेस को आप एंजॉय करें। Thank you.